अभी हम जीटी रोड पे हैं, दुर्गापुर से आसनसोल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से हम नियामतपुर से कट ऑफ करके हम सीधा पहुँचेंगे पुरुलिया आगरा होते हुए। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रास्ते में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। वैसे इस रास्ते में मैं आपको बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पुरुलिया के आगे शायद आपको प्रॉब्लम मिलेगा, रोड थोड़ा ख़राब है मैंने ऐसा सुना है। आप जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या ख़राब है। चलिए आप एंजॉय कीजिए। हम 5:30 बजे निकल चुके थे, अभी 5:53 हुआ है। सुबह सुबह है, सुबह सुबह चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रोड खाली मिलेंगे आपको, सिर्फ हेवी ट्रक्स मिलेंगे। बट ठीक है, आपके जो छोटे ट्रैफिक्स हैं, खास करके जो मोटरसाइकिल कार, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपके एंटायर जर्नी में। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सुबह सुबह ही निकल चले घर से। यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन चुका है, आंडल एयरपोर्ट है, जो कि कई सारे जगहों का कनेक्टिविटी देते हैं, जैसे कि चेन्नई है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही है, इनफैक्ट डोमेस्टिक में भी छोटा ही एयरपोर्ट है, बट ठीक है, ये एक शुरुआत है। आसनसोल से जब आप उतरेंगे आपको दो रोड मिलेगा, एक जाता है बाड़ाकर की तरफ और दूसरा जाता है दिशेड़गर नियामतपुर। तो हम नियामतपुर वाले रोड को पकड़ेंगे, क्योंकि अगर आप बाड़ाकर वाले रोड को पकड़ेंगे तो आपको घूमना ज़्यादा पड़ जाएगा। तो नियामतपुर वाले रोड से आपको सीधा दिशेड़गर ब्रिज की तरफ जाना है, वो सीधा पुरुलिया आपको वैसे दिख जाएगा, पुरुलिया का डायरेक्शन मिल जाएगा। करीब 75 किलोमीटर है यहाँ से। ये सिंगल रोड है लेकिन कोई इशू नहीं है, साफ सुथरा रोड है। इनफैक्ट हम सुबह सुबह आ रहे हैं तो हमको हमेशा ट्रैफिक काफ़ी हल्का मिल रहा है। ये हम रघुनाथपुर में आ गए, सिटी स्टार्ट हो गया है। ये एक जंक्शन पॉइंट भी है, यहाँ से दुर्गापुर आप रानीगंज होते हुए भी जा सकते हैं। हमने आसनसोल वाला रास्ता लिया क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे रानीगंज वाले रोड पे, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसी रास्ते से आइए। ये सामने जो अभी आप चौक देख रहे हैं, यहाँ से आप अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप बांकुरा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें स्ट्रेट जाना है, हमको मैं पुरुलिया जा रहा है। ये है बांकुरा की तरफ जाने वाला रास्ता, लेकिन हम पुरुलिया की तरफ जाएंगे। पुरुलिया से जब आप निकलेंगे रांची के लिए तो आपको रोड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिलेगा। इनफैक्ट ये देखिए, ये वन वे ट्रैफिक बन रहा है, बनने जा रहा है, दूसरे तरफ रोड में काम चल रहा है। तो कुछ पैच में हमको तकलीफ ज़रूर होगा, आप लोगों को भी तकलीफ होगा, लेकिन ठीक है। आप जब मेरा वीडियो देखे शायद इस रोड पे अप्रोच कर रहे हैं, तब तक शायद रोड बन चुका होगा। बट आप लोगों के लिए मैं इस रोड को इसलिए मैं चूज़ किया क्योंकि ये बहुत शॉर्टेस्ट रूट है दुर्गापुर से, अगर आप आसनसोल होते हुए रांची पहुंचना चाहते हैं तो। अभी हम झारखंड के बॉर्डर में एंटर कर रहे हैं। जोहार, वेलकम टू झारखंड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, मेन गेट, बड़ा गेट। ये हम झारखंड में पैर रख दिए, चलिए आप रांची में मिलते हैं। इस रास्ते में काफ़ी सारे गड्ढे हैं, इनफैक्ट हम रोड में गड्ढा नहीं बोल सकते, गड्ढे में रोड है, बहुत गहरा गहरा गड्ढा है। फोर व्हीलर लेके अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इस रोड पे बिल्कुल भी आप मत अवॉइड कीजिए, मतलब इस रोड को आप अवॉइड कीजिए। टू व्हीलर के लिए ठीक है, देखिए गड्ढा इतना बड़ा है कि आप उसमें से निकालोगे कैसे, निकालोगे आपको समझ में नहीं आएगा, कहाँ से निकालोगे। अभी हम कोलेवीरा पहुंचने वाले हैं और 4 किलोमीटर बचा है। कोलेवीरा से आगे रास्ता ख़राब है, आधे टाइम भी मैंने देखा था, लेकिन राउरकेला जाने के लिए और कोई दूसरा ऑप्शन तो है,
लेकिन अब इसी रोड में ही हम जाएंगे और यहाँ से करीब 108 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब कोलेबीरा से मैं अभी 4 किलोमीटर बाहर हूँ और वहाँ से 108 किलोमीटर पड़ेगा राउरकेला। ये देखिए कोलेबीरा से सिमडेगा का रोड, हालात देखिए, गाड़ी आपका सेकेंड और थर्ड गियर के ऊपर चला ही नहीं पाएंगे। अभी देखिए एक बहुत बड़ा गड्ढा हमने क्रॉस किया। अभी शाम के 5:09 हो गए, 10 मिनट हो गए इनफैक्ट, राउरकेला को पीछे छोड़ के हम लोग अभी सुंदरगढ़ के तरफ जा रहे हैं, जो कि आगे झारसुगुड़ा मिलेगा, संबलपुर, बड़गर और फिर हम छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फोर व्हीलर लेके अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पुरुलिया से लेके आपको उड़ीसा के बॉर्डर तक आप परेशान हो जाएंगे, बड़े बड़े कुएं हैं, मैं गड्ढा अगर बोलूंगा तो फिर मजाक हो जाएगा, रास्ते बड़े बड़े कुएं हैं, तालाब है, ये 4 लेन रोड है। अब ये सीधा सीधा हाईवे, नेशनल हाईवे के साथ ये संबलपुर में टच करेगा, जो नेशनल हाईवे 6 है उसके साथ टच करेगा। और फिर अगेन वहां से भी हमको पूरा पूरा 4 लेन मिलेगा, छत्तीसगढ़ के उस पार तक पूरा 4 लेन है।